नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 9 सितंबर में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। जी हाँ, पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा को भारतीय राजदूत ने महत्वपूर्ण बताया है। राजदूत ने कहा है कि इस यात्रा के वैश्विक पटल पर संदेश जाएगा कि भारत अपने क्षेत्र और आसियान केंद्रीयता को कितना महत्व देता है। जी हाँ, पीएम मोदी आज आसियान इंडोनेशिया जाएंगे। भारतीय राजदूत जयंत खोबरागड़े ने को कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के बावजूद इंडोनेशिया आ रहे हैं, इससे साबित होता है कि भारत इस क्षेत्र को कितना महत्व देता है। इन्होंने बताया कि 90 के दशक में हमारे पास लुक ईस्ट नीति थी। इसके बाद 2014 में पीएम मोदी ने हमें एक्ट ईस्ट नीति दी, जो हिंद प्रशांत महासागर पहल में विकसित हुई। इस तरह यह अधिक व्यापक बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 6 सितंबर की रात को नई दिल्ली से इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। जी हाँ, आज पीएम मोदी रवाना होंगे। इसके बाद पीएम मोदी 7 सितंबर की शाम को भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्रों और सरकार प्रमुखों के साथ आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जी हाँ, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को साथ लाता है। पीएम मोदी 9वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में इस बार शामिल होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।